हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत रखने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको व्रत रखने के दौरान कोई भी समस्या क्रिएट ना हो। तो व्रत रखने से पहले सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए क्योंकि उनको आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होता है। आप उनसे एक बार जरूर पूछें कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं। इसके अलावा अगर आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज की शिकायत है या फिर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर आपका जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है एंड इसके अलावा अगर आपके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी कम रहती है और बेबी की तरफ ब्लड भी अच्छे से नहीं पहुंच पाता है जिस तरीके से पहुंचना चाहिए, तो ऐसी महिलाओं को बिल्कुल भी व्रत नहीं रखना चाहिए। उनको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए वरना आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि करवा चौथ का व्रत हर साल आता है एंड ये जो आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी ये भी एक गॉड गिफ्ट है, इसका भी आप पूरी तरह से ध्यान जरूर रखें। और अगर आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और आपके डॉक्टर ने आपको पूरी परमिशन दे दी है तो आप बिल्कुल व्रत रख सकती हैं। और आपको व्रत रखने के दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना है, करवा चौथ के दिन कई जगह पर ऐसा नियम होता है कि आप व्रत शुरू करने से पहले सुबह 4 बजे सरगी ले सकती हैं, बट हर जगह ऐसा नहीं होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है और मेरे यहाँ पर जो है वो 12 बजे से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सलाह जरूर दूंगी क्योंकि आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी है, तो अगर आपके यहाँ सरगी का नियम हो या फिर ना हो बट आपको सरगी जरूर लेनी चाहिए स्पेशली ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान। सरगी लेने से आपको ये फायदा रहेगा कि आपको पूरे दिन आपका जो पेट है वो खाली नहीं रहेगा एंड इसके अलावा आपको चक्कर वगैरह भी नहीं आएंगे क्योंकि अगर आप 12 बजे से स्टार्ट कर देंगी फिर उसके बाद में आप चांद को देखने के बाद व्रत खोलती हैं तो बहुत लंबा समय हो जाता है। और आप सरगी जो है अपने हिसाब से बिल्कुल ले सकती हैं बट आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको सरगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी है जो बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है एंड उसके अलावा बहुत जल्दी प्यास लगती है। जैसे कि आपको सरगी के दौरान बहुत ज्यादा नमक नहीं लेना है एंड आपको मिठाई नहीं लेनी है, आपको कोई भी जंक फूड नहीं लेने हैं एंड तले आइटम भी नहीं लेने हैं और आपको शक्कर भी नहीं लेनी है। आप सरगी के दौरान एक बड़ा ग्लास दूध जरूर लें एंड इसके अलावा आप फ्रूट्स हैं एंड ड्राई फ्रूट हैं इनका भी सेवन जरूर करें एंड आप जो है हाई प्रोटीन डाइट भी ले सकती हैं एंड इसके अलावा आपका जो भी मन करता है आप बिल्कुल ले सकती हैं। और सरगी लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना और ना ही इससे कोई भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप बिना सरगी लिए आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछें कि आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए या नहीं। और अगर आप लंबे समय तक भूखी नहीं रह सकती हैं तो आप पूरे दिन में हर 2-2 घंटे बाद नारियल पानी या फ्रूट जूस या फिर फ्रूट आदि का सेवन बिल्कुल कर सकती हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दी, और अगर आप ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान निर्जला व्रत रहती हैं और बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाती हैं तो आपको मतली होना एंड आपके सर में दर्द होना, चक्कर आना, आपको बेचैनी होना, आपके पेट दर्द होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं और इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसलिए आप ऐसा डिसीजन लें जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना हो और आपके बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। और आपको व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है, अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं थकाना है एंड आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा आराम करें एंड उस दिन आप धूप में बिल्कुल भी ना जाएं, आप जहां तक हो सके घर पर ही रहें और उस दिन आप ज्यादा बातें ना करें, जहां तक हो सके कम ही बोलें। और अगर आपको व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा हलचल महसूस होती है या फिर बहुत कम होती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें इस बारे में। और आप ध्यान रखें कि आपको व्रत खोलने के बाद में एकदम से बहुत सारा कुछ भी नहीं खाना है, इससे आपकी एकदम से तबीयत बिगड़ सकती है।
और आपको एकदम से बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें एंड सुगर एंड फैटी चीजें एंड इसके अलावा आपको चाय का सेवन नहीं करना है। आप व्रत खोलने के बाद में हेल्दी चीजों का ही सेवन करें, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपका बीपी बढ़ सकता है और आपको दिक्कत हो सकती है। व्रत वाले दिन आपको हल्के कपड़े ही पहनना है, बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी एंड बहुत ज्यादा हैवी साड़ी ना पहने ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो। और अगर यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी जो ट्विन्स प्रेगनेंसी थी उस समय मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर था और मैंने जो व्रत रखा था वो निर्जला व्रत ही रखा था, बट मेरी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं थी एंड मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कंसीव हुई थी, इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। बट ये जरूरी नहीं है कि मुझे दिक्कत नहीं हुई तो आपको ना हो, क्योंकि हर किसी की हेल्थ अलग अलग होती है और हर किसी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो इसलिए आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चले। आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी के दौरान एक लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको मना किया है तो कोई बात नहीं, आप जो है नहा धो के पूजा पाठ एंड कथा वगैरह जरूर सुन सकती हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।